Good morning everyone, welcome back to the channel. So today it's 18th of May and I'm going to Bangalore for Nandi Hills. Good morning everyone, so it's 21st of the May and today I'm going to Nandi Hills on my white Ultra 900 CF. So mere paas grey hai aur aaj mere paas white Ultra 900 CF hai. Ye mere ek dost ki hai jo Bangalore mein rehta hai. Aaj main unka bike use kar raha hu. तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं. अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ वहाँ से नंदी हिल अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स दूर है, तो जहाँ पहुँचने में लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा. तो चलिए चलते हैं. Right now I'm at Bangalore Hyderabad Expressway and the quality of the road is absolutely superb. I think according to me you can ride it anytime. It's a 3-lane road on one side which is exactly around 20 kilometers to the left turn, which will come in about some 15-20 minutes. जहाँ मैं नंदी हिल के लिए लेफ्ट साइड लेना पड़ता है वहाँ तक आप बैंगलोर सिटी से भी आ रहे हो तो आपको ज़्यादा किलोमीटर्स पड़ेगा. और जो रोड है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे राइड करने के लिए. अच्छी बात ये है कि जिस सिटी से बाहर निकल के है तो आपको सिटी से बाहर निकलने का मौका मिलता है. यहाँ दोनों तरफ आपको फिर ग्रीनरी देखने को मिलती है. यहाँ पर एयर काफ़ी क्लीन है. कंपैरेटिवली अगर मैं इसको दिल्ली से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सिटी से बाहर आके. So those hills over there which you can see clearly are another Nandi Hills. So this is how they looks from the very plain surface. So we have to first go to the left, then from the left we'll take up the climb from that smallest hill over there, and then we'll go climb up the big hill. Then again the big hill, and then we'll go over the top. So this is how it starts. We first go on the left from over here, then we climb up, and then we reach this top over here, which you can see clearly. These are the Nandi Hills. I am at the beginning of the Nandi Hills, so this is the place from where the climb begins. So I have come up from up there, so it's hardly around 300 to 400 meters which I have climbed till now. So now we'll go straight away to the up. So abhi dhoop kafi badh gayi hai, the sun above my head, temperature abhi 25 degrees ke aaspaas hai, 24-25 degrees, to zyada bada nahi hai. Bangalore mein achhi baat hai ki bhi अब अगर दिल्ली में इसी टाइम पे होते तो जो टेम्परेचर है वो आराम से 33-34 के पास होता, तो वो 10 डिग्री का डिफरेंस है दिल्ली और बैंगलोर में. तो टेम्परेचर काफ़ी कम है इसलिए धूप से ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है. तो अभी चलो ऊपर चलते हैं. The climb is quite amazing. So far I have done 2 kilometers on the climb and there are 6 kilometers still left. It takes a bit effort to climb. मैं काफ़ी टाइम बाद क्लाइंब कर रहा हूँ. पिछली बार जब भी नंदी हिल आया था तभी वीडियो नहीं बना पाया था. आई थिंक मैं लास्ट मंथ नंदी हिल आया था. सो कॉन्जिकटिवली सेकेंड टाइम फॉर्चुनेटली मैं बैंगलोर आ रहा था, तो इस बार ये सोचा ब्लॉग बनाएंगे. तो अभी अभी जो क्लाइंब है वो मैंने सारा ख़त्म कर दिया है.
काफ़ी थका देने वाला क्लाइंब था, बट जब पिछली बार गया था तो फर्स्ट टाइम था तो तब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग रहा था, तो इस बार ही सेकेंड टाइम किया है तो पिछली बार से कंपेरेटिवली आसान है। इस बार पता ही नहीं चला कि 6-7 किलोमीटर कब निकल गए, जब आखिरी का 1 किलोमीटर बचा तब जाके मैंने एक माइलस्टोन देखा था कि अभी 1 किलोमीटर बचा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा था। तो जो यहाँ का भी जो आखिरी टर्न आता है यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए, वहाँ पे एक वो एक गेटवे है जो कि जैसे आप क्लाइंब ख़त्म करते हैं तो आता है, फिर यहाँ पे आपका सारा पार्किंग वगैरह का एरिया आता है, तो वो जो गेटवे से जो पहले जस्ट जो आखिरी टर्न आता है वो सबसे स्टीप वाला है, उसका ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा है। एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं उसका ग्रेडियंट कितना होगा, बट जितने भी स्टीप्स हैं उसका ग्रेडियंट जो है सबसे ज़्यादा है, तो आखिरी वाले टर्न में सबसे ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। बट ओवरऑल जो भी क्लाइंब था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, काफ़ी मज़ा आया क्लाइंब करने में आपको, रोड्स का कंडीशन काफ़ी अच्छा है और रश इतना ज़्यादा नहीं है अभी इस वक्त यहाँ पे। पीक सीज़न तो मुझे पता नहीं नंदी हिल्स में क्या होता है, मे बी रेनी सीज़न होता होगा पीक सीज़न, तो अभी तो समर्स हैं तो इतना ज़्यादा कोई रश नहीं था यहाँ पे, तो काफ़ी इजीली क्लाइंब हो गया, कोई ट्रैफिक का भी कोई इशू अब फेस नहीं किया मैंने। आज हमारी नई अल्ट्रा ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे कमेंट करो कि अल्ट्रा वाइट कलर में ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर जो मेरे पास जो ग्रे कलर है उसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो इसकी एक अच्छी लगी कि इसमें जो फिजिक का सैडल आता है पर जो उसमें जो बीटन का सैडल है वो भी काफ़ी अच्छा है। मुझे तो वाइट कलर में भी काफ़ी सेक्सी लग रही है, बट आप कमेंट डाउन बिलो कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाइट या ग्रे। तो अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं और अब लेते हैं डाउन हिल का मज़ा, ऊपर आने में तो काफ़ी टाइम लग गया था, अभी देखना क्या फटाफट स्पीड से हम वापस नीचे जाते हैं। कम ऑन नाउ लेट्स एंजॉय द फन ऑफ डाउन हिल। दिस इज़ द फाइनल गेट विच कम्स जब भी आपका क्लाइंब ख़त्म होता है। इज़न्ट इट फैंटास्टिक। तो यहाँ ओवरऑल डाउनहिल करने में तो काफ़ी मज़ा आता है, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सबको जो बैंगलोर में रहते हैं उन्होंने सबने ऑब्वियसली किया ही होगा, और जो बैंगलोर में नहीं भी रहते मैं रिकमेंड करूँगा कि ये तो एक मस्त विजिट जगह है, अगर आप साइकिल से आ रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप साइकिल से नहीं भी आ रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छी जगह है विज़िट के लिए, साइकिल के लिए एक मस्ट विज़िट माइलस्टोन है जैसे हम कह सकते हैं, जैसे लेह लद्दाख होता है और कश्मीर टू कन्याकुमारी होता है, ये उतना बड़ा तो माइलस्टोन नहीं है पर एक छोटा माइलस्टोन है, वो आपके विश लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए आपको नंदी एपिक का। एज ऑलवेज जस्ट साइकिल इट आउट फॉर अ बेटर हेल्थ एंड एनवायरमेंट। लेट्स मीट यू सून।